नमस्कार फाइटर्स, अच्छा ये लोग खड़े क्यों हैं? कुर्सी नहीं है, कुर्सी की तो लड़ाई है पूरे देश में। साथियों, अरुण द्विवेदी सर ने जब अपने बारे में बताया था तो तब उन्होंने कुछ ठीक हूबहू आपका ही परिचय अपने रूप में दिया था। जो भाई मेरे खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो आप चाहे तो ये स्टेज आपका है, आप यहां आकर के बैठ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो, और अगर कंफर्टेबल है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर का और प्रोग्राम में खड़े रह सकते हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में आप लोगों का प्यार मिलेगा। उसी हिसाब से ऑडिटोरियम बुक कर रखा था, अगर पहले पता होता तो इससे बड़ा ऑडिटोरियम बुक कर लेते, है ना। तो आप लोगों का प्यार है कि जहां भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 10-20-50 कुर्सियां खाली रह जाती हैं, लेकिन आज ऐसा है कि एक्स्ट्रा चेयर लगाने के बावजूद भी खड़े होने की जगह नहीं है। तो इसके लिए आप सबको नमन है जो खड़े हैं 100%। ये तो तय बात है, ये तो तय बात है, जो खड़े हैं या फिर जिनको जगह नहीं मिली, जो जमीन में बैठे हुए हैं, चेयर नहीं मिल पाई जिनको, ये तो तय है कि अगर आज आपने यहां कदम रख लिया है, आप इतनी देर से खड़े होकर के सुन रहे हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यू आर सो एम्बिशियस, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं। लोग फिल्म थिएटर से वहां पर चले जाते हैं अगर उनको टिकट ना मिले तो, राइट। फिल्म थिएटर से जहां पर एंटरटेनमेंट होता है, यहां कोई एंटरटेनमेंट नहीं, यहां कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई मसाला मूवी नहीं है, और उसके बावजूद अगर आप यहां पर खड़े होकर के जमीन पर बैठ करके अगर आप पूरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इट मींस अ लॉट। आपके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, आप बहुत एंबिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है। आज तक क्यों आप सफल नहीं हो पाए जमाने के हिसाब से, अपने लाइफ में तो हर इंसान सफल है, जमाने के हिसाब से आप आज तक क्यों सफल नहीं हो पाए, शायद आपको आज तक AWBL जैसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाया, राइट। अरुण द्विवेदी सर अपने बारे में बता रहे थे कि तालकटोरा स्टेडियम गया तो उस दिन मेरे पास में जो एंट्री पास था वो लेने तक के लिए मेरे पास में पैसे नहीं थे, राइट। और आज देखिए, वो चाहत थी उनकी, और इस वजह से उन्होंने मेरे जैसे आदमी से सुना भी, मैंने उनको आंखें भी दिखाई, पैसे नहीं थे तो आए क्यों, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डेरे पहुंच गया भी। हमें तो बिजनेस करना आता नहीं था कि किससे प्यार से बोलना है, किससे नहीं बोलना है, हम तो सीधे सर जानते हैं, यस सर और नो सर, पैसे हैं नो सर, टिकट मिलेगा नो सर, पैसे हैं यस सर, टिकट मिलेगा यस सर। तो हमें पता नहीं था, फिर जैसा अरुण सर ने बता ही दिया था, सीनियर का आदेश आ गया, टिकट देना, ओके सर, डन। तो दोस्तों यहां से एक सीख और मिलती है कि जब हम कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली परेशानी आती है। क्या पता उस दिन मेरी उस गलती की वजह से, मेरे उस अनजान बस भूल बस, ऐसा नहीं है थी कि मैं 1500 रुपए बियर नहीं कर सकता था, मैं सैलरीड पर्सन था, 1500 रुपए बियर कर सकता था, मेरी जाने अनजाने उस गलती से मैं क्या पता अपना ब्लैक डायमंड हो देता, नहीं पता था। जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिली कि कभी भी कोई इंसान अगर आपको प्रॉब्लम बताता है, समस्या बताता है, तो उसकी समस्या को सुनना जरूर है। ऐसा नहीं था कि मैं कैपेबल नहीं था, हम जो जानते हैं या हम जो मानते हैं उसी धारणा पर चलना गलत है, सामने वाले की बात को भी समझना जरूरी है, राइट। तो एक सीख यहां से उस दिन मिली। उस दिन तो क्या मिली, बाद में जब अरुण द्विवेदी सर ने अपनी व्यथा बताई, जब ये धीरे धीरे इनका रैंक बढ़ा, और उसके बाद में एक दिन उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली, गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा किया था, तब मुझे पता लगा कि यार मैं कितना बेरहम इंसान था। तो थैंक्स टू AWBL, थैंक्स टू रामवीर सर, थैंक्स टू महागुरु संजीव सर, जिन्होंने मेरे जैसे बिल्कुल
सपाट चेहरे वाले इंसान को जिसके चेहरे पर कभी कोई फीलिंग नहीं आती थी। मैं अपनी लाइफ में इस दुनिया में अनोखा इंसान हूँ, मुझे चाहे कितनी बड़ी खुशी मिल जाए मैं खुश नहीं होता, और कितना ही बड़ा गम आ जाए मैं दुखी नहीं होता, बिल्कुल सपाट इंसान। इट्स जस्ट हैपेंड, ये होगा, ये डेस्टिनी इज डेफिनेट, हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर टेम्परली, ये सब चीजें होते रहती हैं, सुख दुख आते जाते रहेगा, दिन है तो रात भी होगी, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज खुशी मिली है तो कल दुख भी आएगा। मैं इन विचारों वाला इंसान, तो मेरे जैसे इंसान के अंदर फीलिंग्स डाली, मेरे जैसे इंसान के अंदर इमोशंस डाले। थैंक यू रामवीर सर, अगर आप ना होते तो मेरा जीवन पता नहीं कैसा होता। दोस्तों, नाम आप काफी देर से सुन रहे हो, वीएस भंडारी, बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, और जैसा ऑलरेडी मैडम बता चुकी हैं, मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूँ, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ देश सेवा करने का, 18 साल इंडियन आर्मी की वर्दी को पहनने का बड़ा प्राउड फील होता है, उस वर्दी को पहन करके एक सैनिक कहलाने का हक मुझे भी मिला। थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे पालन पोषण किया, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इंडियन आर्मी में जा सका, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सका, और थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि जिन्होंने मुझे लाइफ में डिसिप्लिन सिखाया, जिन्होंने मुझे लाइफ के अंदर संघर्ष करना सिखाया, जिन्होंने मुझे एक वर्कर की तरह काम करना सिखाया, एक लेबर की तरह काम करना सिखाया, और एक लीडर की तरह टीम को लीड करना सिखाया, पेशेंस रखना सिखाया, पैशन सिखाया, किस प्रकार से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, ये AWPL करना बहुत आसान है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना बहुत आसान है अगर किसी ने डिफेंस ज्वाइन कर रखी है, अगर किसी ने डिफेंस में नौकरी कर रखी है तो बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, पर किसी ने कोई किसी का बैकग्राउंड अगर डिफेंस का नहीं है तो आप निराश मत होना कि अरे यार फिर तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है, जितने भी अचीवर्स को आपने सुना, अरुण द्विवेदी सर को, वर्षा मैडम को, या हमारे भोलेन सर को, निरंकारी सर को, इनका किसी का भी बैकग्राउंड डिफेंस से नहीं है, यानी कि सभी के लिए प्लेटफॉर्म इक्वल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन आज पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे, इस तरह के किसी प्रोग्राम में आए होंगे, जिनको शायद AWPL के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी रिलेटिव ने, आपके किसी पड़ोसी ने जबरदस्ती इंसिस्ट करके, आपसे मनोहार करके, रिक्वेस्ट करके, इन्फ्लुएंस करके आपको इस हॉल तक पहुंचा दिया होगा। करेक्ट है, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने हैं ऐसे भाई बहन जो पहली बार आज इस मीटिंग में आए? ओ, बहुत अधिक संख्या में है। मैं चाहूंगा हमारे पुराने फाइटर से कि एक बार इन सभी हमारे गेस्टों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सिस्टम के बारे में जानते भी नहीं हो, कंपनी के बारे में जानते भी नहीं हो, उसके बावजूद आप लोग यहां पर आए हो। आप सबको मैं नमन करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आज जब आप इस हॉल को छोड़ करके जाओगे तो आपको एक नई दिशा मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों, आप आए क्यों हो यहां पर, एक मन में सबके सोच होगी, सबके आने का एक पीछे एक जरूर रीजन रहा होगा कि जीवन में कुछ करना चाहता हूं, और वो कुछ करने के लिए शायद रास्ता आज मेरे को इस RBS कॉलेज के इस ऑडिटोरियम से मिल सकता है, इसीलिए आप आए। करेक्ट है? यस सर नो। हर इंसान जीवन में आज जो जीवन चाह रहा है उससे बेहतर लाइफ चाहता है। करेक्ट है? यस सर नो। यस सर नो। क्या मैं हाँ मैं हाँ या ना मैं बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ या ना मैं बात कर सकता हूँ? दोस्तों, लाइफ में सीरियस होना जरूरी है, लेकिन किसके प्रति? काम के प्रति। कभी भी आप अपने व्यवहार में सीरियस बन मत लाए। अगर आप हमेशा सीरियस रहेंगे लाइफ में, आपकी लाइफ से एंटरटेनमेंट चला जाएगा, आपकी लाइफ से बहुत सारा एंजॉयमेंट चला जाएगा,
हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है अभी का समय, अभी का क्षण। तो क्यों ना इस अभी के क्षण में जिया जाए, अभी के पल में जिया जाए। कल क्या होगा किससे क्या पता, राइट और रॉन्ग, सही है गलत है। तो क्या हाँ या ना में बात हो सकती है? Yes. क्या आप सभी यहां पर मौजूद हैं? Yes. कैसे पता लगेगा? कुछ तालियां बजा रहे, कुछ नहीं बजा रहे। आप यहां मौजूद हैं या नहीं हैं, आप यहां मन से या तन से मौजूद हैं या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? जब मैं आपसे बात करूं तो मुझे आपका जवाब हाँ या ना में चाहिए, तभी मैं आपके काम की बात आपको डिलीवर कर पाऊंगा। क्या मिल सकता जवाब? Yes! मिल सकता है? Yes! मिल सकता है? Yes! ओके, तो दोस्तों हर इंसान अपनी लाइफ में जो जीवन वो जी रहा है उससे बेहतर लाइफ चाहता है, हर इंसान चाहता है। यस और नो? लेकिन समस्या यह है कि जिस बैकग्राउंड में, जिस बैकग्राउंड के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, अपॉर्चुनिटी। मेहनत तो शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, राइट और रॉन्ग। यहां पर बैठा हुआ मेरे देश का किसान, मेरे देश का जवान, एक टीचर बैठा हुआ यहाँ पर, एक डॉक्टर बैठा हुआ, एक इंजीनियर बैठा हुआ, एक वकील बैठा हुआ है, एक हाउसवाइफ यहाँ पर बैठी हुई है, क्या हमसे ज्यादा मेहनत कोई अरबपति इंसान कर सकता है? कर सकता है क्या? कर सकता है? यहां तक कि दोस्तों जो रोज डेली बेसिस पर तैयारी करते हैं वो भी हमसे ज्यादा काम, हमसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा तभी इस बात पर आप मोहर लगाना। एक मजदूर 8 घंटे से अधिक मेहनत नहीं करता, यस और नो? यस और नो? लेकिन अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो दोस्तों 12 घंटे 16 घंटे भी दिन रात मेहनत करने को तैयार है। यस और नो? एक किसान जब खेत में जाता है तो न दिन देखता न रात देखता है, उसे पानी लगाना है खेत में, या उसे पौध लगानी है, या पौध काटनी है, फसल काटनी है, वो 24 आवर कई दिन तक वो बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए खेत में ही वो पूरा अपना समय निकाल देता है सीजन के टाइम में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes. Yes or no? एक सेना में बॉर्डर पे खड़ा जवान 24 घंटे ड्यूटी देता, हाँ या ना? Yes. एक ट्रैफिक हवलदार 12 घंटे बिना धूप में, बरसात में, सर्दी में आपके चौराहे पे खड़ा रहता, हाँ या ना? Yes. Yes or no? Yes. तो हमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, और ना ही मिडिल क्लास इंसान से टैलेंटेड इंसान दुनिया में हुआ कोई, हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? अरे सही कह रहा हूं तो बताना मुझे। आप चाहे किसी भी, आप सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ के देख लो, फिर वो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, फिर वो चाहे वो फाउंडर रितेश अग्रवाल हो, फिर वो चाहे अनअकैडमी के फाउंडर हो मुंजाल साहब, फिर वो चाहे आपके किसी भी फ्लिपकार्ट के फाउंडर हो, कोई भी, हर एक इंसान कहां से उठ करके आया, कहां से उठ करके आया, किस परिवार से आया है? मिडिल क्लास से। कहां से? मिडिल क्लास से। तो इसका मतलब तय बात है कि आप हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देख लो, सुंदर पिचाई कौन से परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सत्यनारायण कौन से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes or no? Yes. दोस्तों हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, क्यों होता है, उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है कि मिडिल क्लास इंसान ही है जिसके दिल में संवेदना होती है अपने परिवार के लिए, भावना होती है अपने परिवार के लिए। यही एक ऐसी क्लास होती है दोस्तों जो हकीकत मायने में अपने फैमिली के लिए जीती है, और अपने फैमिली को अच्छा जीवन देने के लिए कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक जा सकती है। यस है यस और नो? Yes. हाँ या ना? Yes. तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान कोई नहीं इस दुनिया में, और हमसे ज्यादा मेहनती इंसान कोई नहीं इस दुनिया में। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारे देश में रोजगार के अवसरों की कमी है, प्लेटफॉर्मों की कमी है। बात समझ में आ रही है? Yes or no? Yes. अरे जितने हम पढ़े लिखे हैं ना, उतने 100 करोड़ बच्चे पढ़े लिखे हैं, 100 करोड़ लोग, उतनी जितनी एजुकेशन हमारे पास है, उतनी एजुकेशन हमारे देश के 100 करोड़ लोगों के पास है। Yes or no? Yes. अरे हाँ या ना? Yes. तो हम क्यों उस प्लेटफॉर्म पर कामयाब नहीं हो पाए, क्यों हम IPS IAS नहीं बन पाए, क्यों हम एक अच्छा सैलरी पैकेज वाला डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए, उसके पीछे सिर्फ एक कारण रहा कि हमारे को, हमारा जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड की वजह से हमारे को प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाया। राइट और रॉन्ग? समझ में आई बात? मेहनत में कमी नहीं है, ना ही मेहनत में कमी है, और ना ही सपनों में कमी है। कमी अगर है तो हमारे को प्लेटफॉर्म न मिल पाने के कारण।
दोस्तों मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, मैं भी आपकी ही तरह एंबिशियस था। जी हाँ, बिल्कुल आपकी ही तरह, बचपन से आपकी तरह महत्वाकांक्षी था। बहुत बड़े बड़े सपने थे बचपन से, बहुत बड़े बड़े सपने थे। आपके भी, आपके और मेरे सपने एक जैसे ही हैं। अगर आप इस हॉल में हैं ना, तो डेफिनेटली यू आर ट्रू लवर। आप अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं और उस परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भी सपने थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो सपने मेरे बैकग्राउंड, कमजोर बैकग्राउंड के चलते मेरे को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। दोस्तों 2015 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मेरे सामने आया। रामवीर सर का कॉल आता है मेरे पास में, हम एक म्यूचुअल फ्रेंड थे आर्मी में, हमारी हाय हेलो हुई थी सिर्फ और सिर्फ, हमारी केवल दो बार की मुलाकात है इस बिजनेस में आने से पहले। आर्मी में जॉब करते थे, दोनों म्यूचुअल फंड थे, हाय हेलो, सिर्फ और सिर्फ एक चाय और एक समोसे की दोस्ती थी। इनका वो चाय और समोसा मेरे लिए बड़ा भारी पड़ गया, वो एहसान चुकाना मुश्किल पड़ गया, वो 15,000 रुपए में जाकर के चुका, क्योंकि इन्होंने कभी मेरी मदद की थी और ऑफिशियल काम में, और एक चाय और समोसा खिला दिया था, और उस चाय और समोसे की वजह से मैं इनको ना नहीं कह पाया। और नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा नेगेटिव इंसान तो मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं अपने क्षेत्र का बहुत ही मास्टर था, जैसे अभी अरुण द्विवेदी सर बता रहे थे, अपने सेक्टर का बहुत मास्टर था। मेरा IQ लेवल बहुत तेज रहा है बचपन से, मैं किसी इंसान का नाम नहीं बोलता, मैं रोड का माइल स्टोन कोई बोर्ड नहीं भूलता। 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं, और जिन सड़कों से गुजर चुका हूं भारत के अंदर, वो सड़कें मेरे, सड़कों में बोर्ड कहां है, मोड़ कहां है, खड्डा कहां है, मैं ये तक बता सकता हूं। IQ लेवल ये रहा है मेरा। तो मुझे समझाने के लिए रामवीर सर का फोन आता है कि सर एक कैसा बिजनेस है जिस बिजनेस से यहां से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने कहा ले, मैं दुनिया को चलाता हूं, ये मेरे को चलाने के लिए फोन कर रहा है। कसम से मैं दुनिया को चलाता हूं। आई वॉज इंस्ट्रक्टर, मैं टीचर था वहां पर, मैं दुनिया को पढ़ाता हूं। मैंने पता नहीं तेरे जैसे कितने हजारों लोग निकाल दिए पढ़ा पढ़ा करके, तू मेरे को पढ़ाएगा? ऐसा भी कोई शॉर्टकट होता है, ऐसा भी कोई तरीका होता है जहां से कि 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी? मैं मजाक उड़ा रहा था। रामवीर सर बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी कन्विंस के साथ, बड़े प्यार, उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार बाकी जो चाहे कोई माने ना माने, लेकिन BS भंडारी तो मेरी बात मान लेगा। और मैं इनको फोन के ऊपर जैसे तैसे फोन काट रहा है, और उसके बाद अपनी वाइफ से घर आते, कैसे बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों मैंने इनको ना हाँ कहा ना ना कहा, क्योंकि वो दोस्ती का जो वो घास था ना, वो ना निकला जा रहा था ना ही फूका जा रहा था, क्योंकि वो एहसान था दोस्ती का, एक अच्छे व्यवहार का, एक अच्छे नेचर का। एक बात समझ में आएगी आपको कि मैं कंपनी से नहीं जुड़ा था, मैं किससे जुड़ा? रामवीर सर से जुड़ा, रामवीर सर के व्यवहार के साथ जुड़ा। मैं कंपनी से नहीं जुड़ा, किसके साथ जुड़ा? रामवीर सर के व्यवहार के साथ जुड़ा। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस बिजनेस को करूं, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे लिए बिल्कुल सब बकवास था कि यार मैं कैसे काम करूंगा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? मेरे दिमाग में 70 प्रकार के क्वेश्चन थे। अच्छा, नीचे वाला जुड़ता है तो ऊपर वाले तब को 500 रुपए कैसे मिलता है? कैलकुलेशन, क्योंकि मेरी एजुकेशन क्यों बाहर की चीज थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन तो 12th पास थी। मैंने थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पढ़ा था। दिक्कत तो ये कि हमारे देश में कोई इसका इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इसकी पढ़ाई नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, इसलिए मेरे दिमाग में सवाल थे कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेगा, या प्रोडक्ट कोई खा करके किसी को कोई मिसहैपनिंग हो गई या क्लेम कर देगा तो क्या होगा? मेरे पास में क्या अथॉरिटी है कि मैं इन प्रोडक्टों को सेल कर सकूं? इस तरह के 70 प्रकार के सवाल मेरे मन में थे, और जो मैं इनसे कह नहीं रहा था, अपने मन ही मन में राजा बन रहा था, देखो मेरे को पढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों इनका जब भी फोन आता, मैं फोन कभी अटेंड करता, कभी नहीं करता, कभी मिसेज को दे देता, बोलते फोन घर को छोड़ के चले गए, कभी मैं कहता सर ड्यूटी पर हूं। लेकिन सर के पेशेंस की दोस्तों मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है।
इन शब्दों में बयान करूं मैं कम है, 8 महीने सर ने पेशेंस रखा, 8 महीने लगातार लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कॉल करना, और उसके बाद मेरे नखरे सहने लगातार 8 महीने। 8 महीने के पेशेंस के बाद में मैंने फाइनली, जैसे अरुण द्विवेदी सर ने कहा, पीछा छुड़ाने के लिए, मैंने पीछा छुड़ाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक है यार, चल शायद 15,000-18,000 रुपए शायद आपके ही नसीब के होंगे, मैंने कहीं से कर्ज ले रखा होगा, इस इंसान से पीछा छुड़ा, ये सोच करके मैंने 18,000-18,500 रुपए का समथिंग का बिल बना था मेरा। उस समय पे इनहैंड मेरे पास अब पैसे भी नहीं थे, क्योंकि सैलरी वाले की यही परिभाषा है, आप कितने कितना भी आप का पैकेज है, परिभाषा सबकी एक ही है, भूखे कभी मरेंगे नहीं और पैसे हमारे पास कभी होंगे नहीं। सही है गलत है? चाहे 1,00,000 रुपए कमाते तब भी दाल रोटी चलेगी, चाहे 50,000 कमाते तब भी दाल रोटी ही चलेगी, क्योंकि जितनी हमारी सैलरी उसी हिसाब से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, राइट और रॉन्ग? तो अपनी भी ऐसी परिभाषा थी, 18,500 रुपए समथिंग कहीं से एडजस्ट किए और प्रोडक्ट लिए, जिस पर्पज के लिए प्रोडक्ट लिए थे, वो पर्पज हल हो गया तो थोड़ा सा बिलीव आया, पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, और काम अच्छा हो, एक नंबर का काम हो, तो उस काम को करके हर इंसान पैसा कमाना चाहेगा। धीरे धीरे इसी प्रकार से एक मीटिंग में आया, बात है दोस्तों 9 अगस्त 2015 की, तकरीबन इतने ही लोग होंगे, 1,000 के आसपास लोग दिल्ली में, और उसमें मैं अकेला आया था। सर ने कहा सर एक बार मीटिंग में आ जाओ बस, और वो मीटिंग अटेंड करी दोस्तों। उस दिन जब वहां पर सुना मैंने अरुण द्विवेदी सर जैसे एक लीडर को, वर्षा मैडम जैसे एक लेडी लीडर को, तो यहां से विश्वास हुआ। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स देखे, लीडर्स की अचीवमेंट देखी, समझा, दिमाग तो है ही, दिन रात का फर्क समझ में आता है, एक्सेप्ट किया इस बिजनेस को, और उस दिन के बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज ये है इसका परिणाम कि मुझे आज रिटायर्ड आए हुए, 1 मई 2017 को मैंने रिटायरमेंट ली थी, लगभग 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम किया, उस अगस्त के बाद में मैंने काम शुरू किया था, 9 अगस्त 2015 के बाद काम शुरू किया था, लगभग 1.5 साल पार्ट टाइम काम किया, उसके बाद में वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेकर के अभी 1 मई को 5 साल होंगे, और 5 साल से मैं फुल टाइम अपना पूरी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत मैंने यहाँ पर AWPL में की, और आज मैं कंपनी के 18 रैंक में से कंपनी के 14 रैंक क्लियर कर चुका हूं, ग्राउंड कंपनी। ये सब हमारे जीवन में हो सकता है। ये वीएस भंडारी है जो 50,000-40,000 रुपए की नौकरी कर रहा था आज से 5 साल पहले तक, यही वीएस भंडारी है जो 24 घंटे मेहनत कर रहा था, लेकिन जीवन में कुछ हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, और वो था क्या? प्लेटफॉर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, अगर ये प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, तो फिर इस बिजनेस को हर इंसान करता क्यों नहीं है? तो किस बात का होता है? आज भी इस हॉल से जाने के बाद में बहुत सारे लोग हो सकता है इस बिजनेस को शुरू ना करें। कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे सिलेबस में, एजुकेशन के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग आज तक इंट्रोड्यूस्ड नहीं थी। पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करो और इसमें करियर बनाओ। हमने बचपन से यह सीखा और समझा है, हमारे समाज ने यह सिखाया है कि 10वीं करो, 12वीं करो, उसके बाद में जॉब लग जाओ, पुलिस में लग जाओ या फौज में लग जाओ, या उसके बाद में आप ग्रेजुएशन कर लो, बीएड कर लो, एमएड कर लो, टीचर बन जाओ। लिमिटेड गिनी चुनी जॉब हमारे को डे वन से हमारे दिमाग में सेट है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करेंगे या क्यों नहीं करते लोग जिनके पास में अपॉर्चुनिटी जाती है? उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है एजुकेशन। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25 साल हो गए हिंदुस्तान में चलते हुए, लेकिन इन 25 सालों में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, वो ड्रॉबैक ये रहा कि इस इंडस्ट्री को एजुकेशन सिलेबस में नहीं डाला गया। लेकिन अब धीरे धीरे देश बदल रहा है। 2016 में सबसे पहले भारत सरकार ने गाइडलाइंस निकाली,
उसके बाद में अभी पिछले साल 2021 को हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी अगुवाई में एडीएसआई, इट्सा और एफडीएसए, इन सब ने मिलकर के, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर के भी भारत सरकार के समक्ष अपने प्रस्तावना रखी और संजीव सर ने इसको लीड किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और उसकी बदौलत आज भारत सरकार ने हमारे लिए कानून बना दिया, इसको भी एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया, इसको एक पहचान दे दी। दूसरा कारण क्या था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इस बिजनेस में लोग करियर ना बना पाने का दूसरा कारण था दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लेकर के चिट फंड कंपनियां, जो मनी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी या आज भी हैं, उन कंपनियों ने हमारे देश के भोले भाले लोगों को लूटा है, बर्बाद किया है। किसके बदौलत? लालच दिखा करके। आप हमें पैसा दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, आपको हर महीने 25,000 रुपए आएगा। आप 5 लाख रुपए जमा करा दो, आपको 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए हो जाएगा। जबकि भारत सरकार कह रही है कि अगर आप कहीं भी एफडी कराते हो तो आपको 6% का ब्याज मिलता है, 6.5% का ब्याज मिलता है, वो 50% 100% 100 गुना सपना दिखा करके और हमारे देश के भोले भाले लोगों का, गरीब जनता का पैसा टकार गई। इसकी वजह से, इस बिजनेस मॉडल की वजह से, इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करके और हमारे देश की आम जनता को गुमराह किया गया, ये दूसरा कारण रहा लोगों का। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लेकर के ही हमारे देश में फ्रॉड होता है? इससे नफरत क्यों? फ्रॉड हिंदुस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि ओरिजिनल बाद में मार्केट में आएगा, उससे पहले पायरेटेड कॉपी मार्केट में आ जाएगी। यस और नो, सही है गलत है? रेबेन का ओरिजिनल चश्मा कितना बिकता है मुझे नहीं पता, लेकिन गारंटी है जो डुप्लीकेट चश्मा है वो रेबेन के ओरिजिनल चश्मे से ज्यादा उसकी सेल होती है। समझ मारी बात? तो पायरेसी तो हर जगह है। ये दूध बेचते थे भोलेंदर सर, तो भोलेंदर सर क्या वाकई में उतना ओरिजिनल दूध जाता है मार्केट में जितना पैदा होता है मार्केट में? जितना प्रोडक्शन होता है क्या उतना ही उतना ओरिजिनल दूध मार्केट में जाता है? उससे कई गुना कंजम्पशन मार्केट का है। एग्जांपल के तौर पर एक आर्टिकल बताता हूं आपको समाचार का, कि जिस समाचार में यह बताया गया है कि हमारे देश में अगर एक दिन का प्रोडक्शन अगर दूध का 16 लाख करोड़ लीटर है तो कंजम्पशन 64 लाख करोड़ लीटर है। तो आखिर वो 50 लाख करोड़ लीटर दूध आता कहां से है? वो किससे बनता है? सिंथेटिक से बनता है, राइट? ये WHO की तरफ से छापा गया आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर क्या हमने दूध पीना बंद कर दिया? दूध पीना बंद कर दिया क्या? क्या अस्पतालों में किडनी के रैकेट पकड़े जाने की वजह से क्या हमने अस्पतालों में जाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि फ्रॉड हर जगह होता है और होता था और होता रहेगा, लेकिन अगर आप एक इंसान है, अगर आप को बुद्धि विवेक है, दिन रात में अंतर समझते हैं, तो क्या आपको सही गलत में अंतर नहीं दिखाई देगा? AWPL की बात करते हैं, AWPL आप कभी करना जब आपको सही या गलत लगे। बात समझ में आ रही है? AWPL आप तभी करना जब आपको यह सही या गलत लगे। AWPL के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा 2 मिनट में। AWPL है क्या? AWPL एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट का निर्माण खुद करती है। एक प्रोडक्ट के ऊपर 2-2 साल 3-3 साल की R&D टीम R&D करती है। जब वो प्रोडक्ट कई बार टेस्ट होता है उसके बाद में पास होने के बाद में वो मार्केट में आता है। प्रोडक्ट इस प्रकार के है कि आयुर्वेदिक पेटेंटेड प्रोडक्टों की अगर बात करूं तो लगभग 100 साल से पुराना इतिहास है पेटेंटेड प्रोडक्टों के बनने का। हिंदुस्तान में आजादी से पहले पेटेंटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत पुरानी कंपनियां, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछले 100 साल के इतिहास में जिस प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट AWPL के द्वारा बनाए गए, उनके रिजल्ट
जिस प्रकार से हमारे को यहाँ पर ग्राहकों ने फीडबैक के तौर पर दिए हैं, वैसे पिछले 100 साल के इतिहास में देखने को नहीं मिले। मैं पर्सनली जानता हूं, ये सोमेश दीक्षित जी की वाइफ है, यहां पर बैठी थी, इनको डायलिसिस था, कार्डियक प्रॉब्लम थी इनको, और इनका डायलिसिस बंद हो गया। डायलिसिस अगर एक बार अगर आप डायलिसिस पे आ गए हैं तो उसके बाद में कोई मतलब नहीं है कि आपकी वापस रिकवरी हो जाए। लेकिन आज ये पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसे कितने ही प्रमाण, कितने यहां पर बैठे हैं जो मेरे भाई मेरी बहन है, वो बताएं कितने लोग हैं जो AWPL के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, कर रहे हैं, रिजल्ट है? Yes! आपको अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट? Yes! क्वालिटी कैसी है? Yes! अच्छी है? Yes! क्या आप में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर के कह सकता बेकार है प्रोडक्ट? दोस्तों ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, और मैं इतने बड़े हॉल में बिना डरे अगर चैलेंज के साथ में ये बात कह रहा हूं कि क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि प्रोडक्ट खराब है, तो सोचिए प्रोडक्ट में कितना दम होगा।